हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइन। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका टॉपिक का हम लोग पहले पार्ट वन कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है, उसका जो सब्जेक्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पार्ट वन में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो मिडिल पार्ट में हम लोग कुछ इंपोर्टेंट सवाल करेंगे। देखिए, 3:6, 4:8, ठीक है। ये जो हमारे पास है, ये क्या है, ये जो सिंबल वहां पे दे रखा है, ये है रेशियो का रेशियो यानी प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन का बात हम लोग क्लियर हुई, जो कि हमारा अंदर वाला में गुना इज बाहर वाला से गुना का बराबर होगा, जैसे ही प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। वहां पे देखिए, 6 × 4 इज इक्वल टू 3 × 8, 6 × 24, 8 × 24, ठीक है। इसको क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। उसका देखिए, क्वेश्चन ऐसे टाइप के पूछा जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन में हम लोग देखेंगे 16, 36, 48 ए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। यदि 16:36 और फिर देखिए 48 ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए को हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारा जो अंदर वाला के गुना ये बराबर होगा बाहर वालों के गुना। वहां पे देखिए, 16 × 1 इज इक्वल टू 36 × 48। वहां पे देखिए, 16 × 48, 6 × 18, 108। हमारे पास x कितना है, 108, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आ चुके हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन। और देखिए, दूसरा टाइप का और एक क्वेश्चन देखेंगे। ए इज टू बी इज इक्वल टू 4:3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो ए का मान वहां पे बैठा दीजिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। वहां पे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब है ए का मान है 4, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर क्या है, 3, 3 × 9। ये जो रेशियो हम लोग कह चुके हैं, रेशियो का मीनिंग से है बटे में, ठीक है। उसके बाद देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान कितना है, 16 × 9, वहाँ पे कितना है, वहाँ पे है 25, नीचे में है क्या, 7। उसका मीनिंग से 25.25:7 ये हमारे होगी आंसर, ठीक है। दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे, पार्ट टू है। आप लोग पार्ट वन नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप जाइए पार्ट वन पहले देखिए, उसका बाद ये पार्ट आपको जो कि आसान हो जाएगा समझने के लिए। आप पूरी की पूरी देखिए, पार्ट वन पहले देखिए, उसका बाद ये, आप पार्ट वन नहीं देखा तो आप ये क्रिटिकल हो सकता है ये जो पार्ट टू। चलिए हम लोग जो कि दूसरे टाइप को हम लोग देखेंगे, सारी की सारी टाइप हम लोग वहाँ पे खत्म करेंगे, ठीक है। वहां पे देखिए और एक टाइप का, जो कि प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वहां पे दे रखा है 8.2 प्रोपोर्शन 3:2 ए में, देन 8:2 रेशियो 3:2 ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ये पूछा जा रहा है जो कि वहां पे ए का वैल्यू क्या है, क्या होगा हमारा, ये जो अंदर वाले को गुना क्या बाहर वाला गुना से बराबर ही होगा। वहां पे देखिए, 8 × a इज इक्वल टू 2 × 3। वहां पे देखिए, ए कितना होगा, वहां पे गुना है, वहां पे बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी 3/4, ठीक है। ए का मान 3/4 होगा। ये जो क्वेश्चन में आएगा, ये पूरी पूरी डिविजिबल है,
आएगा, ठीक है। जहां पे दे रखा है इफ एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू सेवन इज टू थ्री देन फाइंड एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। ऐसी टाइप का क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, सिर्फ हम लोग वहां पे डिस्कशन करेंगे इसको कैसे करेंगे। ये जो देखिए वहां पे इसको देख के आप लोग घबराने कोई जरूरत नहीं है इसको देख के, ठीक है। ये बस ये जो भी है हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास x का मान देखिए, जो x का मान 7 y का मान 3 है, x का मान क्या है 7 y का मान 3 है, सिर्फ x का मान x में रख दीजिए और y का मान y में रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। x का क्या है 7 गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर बटे में 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। 7 या 21 3 या 9 बटे में 49 माइनस 9, ठीक है। उसका बाद देखेंगे ये जो 21 ये है 30, उसका बाद देखिए 40, ये हमारा 0 से 0 कट गया, 3:4 हमारा आंसर, ठीक है। 3:4 हो सकता है या 3/4 भी हो सकता है। एक क्वेश्चन दे रखा है द थर्ड प्रपोजल टू 38 एंड 15 इज द थर्ड प्रपोजल टू 38 एंड 15। वहां पे क्या पूछा जा रहा है, थर्ड पूछा जा रहा है, पूरी पूरी ध्यान दे, थर्ड पूछा जा रहा है। वहां पे हमारा कितना संख्या दे रखा है, पहला संख्या दे रखा है 38, दूसरा संख्या दे रखा है 15, क्या पूछा जा रहा है, थर्ड पूछा जा रहा है x, ठीक। हम लोग इसको कैसे करेंगे, पहले हमारा 13 रेशियो क्या है 15, यह हमारा क्या है एक ही रेशियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसका बाद देखेंगे और एक रेशियो हम लोग को चाहिए, सिर्फ देखेंगे ये जो मिडिल वाल में ये को लिख लीजिए एक बार, उसका बाद थर्ड हमारा x, ठीक है। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, अंदर से अंदर गुना कीजिए बाहर से बाहर गुना कीजिए, उसका मतलब है क्या है, x का मान है 15 गुना 15 बटे में 38, इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर है पक्का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका सामने में रख चुकी हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप के भी एग्जाम में पॉइंट है, जो कि यहाँ पे दे रखा है 1600 रुपया आर टू डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। वहां हमारे पास कुल कितना है 1600 रुपया है, ये ए लेगा एंड बी भी लेगा, मिलाकर 1600 रुपया है, 1600 में ए लेगा एंड बी भी लेगा, पूरी की पूरी लेगा, ठीक है। वहां पे देखिए कुल हमारे पास कितना रुपया है, ये दोनों मिला के रुपया है क्या 1600 रुपया, हम लोग लिख लीजिए ए प्लस बी का अमाउंट मिला के 1600 रुपया, ये क्या कहलाता है, बी गेट 400 रुपया लेस देन ए, हमारा देखिए एक बात हमारा लिख चुकी है, जो लेस एंड बिग ये सबसे हमारा क्या डिफरेंस को बताते हैं, ठीक है, जो कि बड़ा छोटा लेस देन ग्रेटर देन ये सब डिफरेंस को बताते हैं, ठीक है। वहां पे देख रखा है बी गेट्स, हमारा पास बी गेट्स क्या है 400 लेस देन ए, जो कि ए का वैल्यू में लेस देन मतलब 400 माइनस, यह हमारे पास क्या है बी का वैल्यू, जो कि ए का 400 माइनस है क्या बी का, ये ही हमारा बात खत्म हुई, ये हमारा क्वेश्चन का मेन पॉइंट, आप लोग उसका बैठा दीजिए क्या होगा, जो b का मान b से बैठा दीजिए a प्लस क्या है a माइनस 400 इज इक्वल टू 1600 रुपया, a प्लस a क्या है 2a इज इक्वल टू वहां पे माइनस है उसका इस तरफ आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
उसका बात ए का मान क्या है, ए वहाँ पे गुना है, पूरी की पूरी उस वहाँ पे डिविजिबल हो जाएगा। ये 1600 ये 400 कितना होगा, 20/2 यानी ठीक है। हमारे पास आंसर क्या है, ए का जो वैल्यू, जो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू वहां पे रख दीजिए, ए का मान क्या है माइनस वहां पे कितना है 400, ये होगा हमारा बी का वैल्यू, वहां पे आ जाएगा क्या 600। देखिए उसका वहां पे आंसर हमारा निकल आ चुके हैं, उसको मिला लीजिए, 1600 रुपया है कि नहीं। ठीक है, बात को पूरी समझ आई, पूरा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप पूरा पॉइंट को देखिए, क्या पॉइंट क्या पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, पूरी की पूरी देखिए। और एक दोबारा मैं कह देता हूँ, 1600 आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बी एंड ए, वहां का देखिए 1600 बी में आएगा और ए में आएगा, इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 1600 रुपया। वहां पे देखा रखा है बी गेट्स, इसका मतलब बी गेट्स लेस देन ए 400 रुपया, लेस देन ए मतलब ए में 400 माइनस घटा के जो भी आएगा अमाउंट, ये बी का भी है। हमारे पास ए प्लस बी कितना है 1600, उसका बात के बी वहां पे बैठा दीजिए, क्या होगा हमारा ए माइनस 400 इज इक्वल टू 1600। उसका बात इसको सॉल्व करने के बाद ए प्लस ए 2a इज इक्वल 1600 प्लस 400 क्या होगा हमारे पास 2100। उसका बाद देखिए 20 का आधा कितना होगा 1000, 1000 किसका है ए का मान देखिए 1000 हम लिख दिया, वहां पे बी का मान क्या है ए का 400 कमी कम करने के बाद जो भी आएगा ये बी का वैल्यू होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। उसका बाद देखेंगे और एक टाइप का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, जो हमारा छोटा होगा बड़ा होगा और डिफरेंस होगा, जो कि हमारा लेस देन होगा ग्रेटर देन होगा, ये सब हमारा डिफरेंस को बताते हैं, पूरी इसको भी आप लोग ध्यान दें। आसान क्वेश्चन आपका सामने में रखा हूं, जो कि टू नंबर एक्स एंड वाई उसका रेशियो दे रखा है रेस्पेक्टिवली 3:4, सम ऑफ द एक्स एंड वाई ठीक है 63, ठीक है सम ऑफ द एक्स एंड वाई इज 63, टू नंबर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली 3:4, सम ऑफ द एक्स एंड वाई इज 63। उसका बाद देखिए वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि एक्स का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग का, जो कि हमारा वहां पे पूरा इजी हो जाएगा क्योंकि ये सम दे रखा है। हम लोग सम करेंगे, एक्स का मान क्या है 3, वाई का मान क्या है 4। उसका बाद देखिए द सम ऑफ द एक्स प्लस वाई हमारा पास क्या है 63 है। इस टाइप से हम लोग 3 + 4 इज इक्वल टू 63, 4 + 7 इज इक्वल टू 63, 1 इज इक्वल टू कितना क्या होगा 7 होगा 9 होगा। ठीक है, सही तरीके से हम लोग वहां पे वेरिएबल लेते हैं, ये जो 9 का मान एक की मान है, हम लोग को क्या पूछा है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का रेशियो कितना है 3 है, हमारा एक रेशियो नाइन है, 3 रेशियो कितना होगा 9 + 7 = 27 होगा। ए का मान सही तरीके से एक्स का मान ये निकल कर आएगा, सही तरीके से वाई का मान भी हम लोग निकल सकते हैं, क्या होगा 9 × 4 = 36 क्या होगा वाई का। हम लोग पूरी देखेंगे एक्स प्लस वाई हमारा 63 होगा या नहीं, एक्स का मान 27 प्लस वाई का मान 36, 13 × 5 = 63। ठीक है, बात खत्म हुई, और हम लोग देखेंगे और एक लास्ट आखिरी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये एक तरीका का क्वेश्चन, ये एक टाइप का क्वेश्चन, आप लोग पूरी ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आने वाला है। ठीक है, वहां पे दे रखा है द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन इज द रेशियो 11:10, जो दे रखा है इनकम में 11 होगा तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 10 होगा, दे आर सेविंग मनी 9000 पर एनम। वहां पे देखिए और इम्पोर्टेंट बात लिखा हुए वहां पे, एनम जो सेविंग कर रहा है 9000 यानी एनुअली जो सेविंग कर रहा है, पूछा जा रहा है क्या है मंथली इनकम क्या है, ये दोनों की पॉइंट, ये दोनों है हमारा क्वेश्चन का पॉइंट। ठीक है, इसको आप लोग पहले समझिए, हमारे पास देखिए इनकम है
एंड एक्सपेंडिचर है, रेशियो कितना है 11:10। ठीक है, हमारे पास देखिए जो दे रखा है सेविंग, वहां पे जो बंदा इनकम कर रहा है 11 रुपया, एक्सपेंडिचर कर रहा है आदमी खर्च कर रहा है 10 रुपया, बचा है कितना 1 रुपया। अकॉर्डिंग टू 1 रुपया इज इक्वल टू दे रखा है 9000। ये है हमारा क्या निकल है एनुअली, एनुअली एक ही बंदा ने 9000 रुपया सेविंग कर रहा है। सही तरीके से हमारा टोटल इनकम कितना है एनुअली, जो सेविंग है 9000 गुने में 11, इतना ही हमारा आ चुके हैं क्या एनुअली इनकम। ठीक है, पूछा जा रहा है मंथली इनकम, पूरी पूरी ध्यान दे, इनकम क्या है हमारे पास एनुअली इनकम यदि मिला है, मंथली इनकम कैसे निकालेंगे, पूरी पूरी 12 से भाग दीजिए, बात क्लियर कर देने पर हमारे पास कितना आ गए 11:08:11:18:250। वहां पे देखिए ये हमारे पास 8250, ये क्या है, ये हमारा मंथली इनकम है, ये हमारा एनुअल इनकम है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा आखिरी क्वेश्चन था, कैसा लगा मेरे को कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये हमारा था रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट टू, पार्ट थ्री जल्दी आने वाला है, पूरी पूरी हमारा साथ जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स आज ही इतना, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।